हाय फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम आर्डुइनो नोड डेवलपमेंट बोर्ड और ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर का यूज करके प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें लगने वाला है आर्डुइनो नोड डेवलपमेंट बोर्ड, DHT11 ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर और 3 मेल टू फीमेल जम्पर वायर्स। ये तीनों कंपोनेंट्स आपको ऑनलाइन या फिर शॉप से काफ़ी रिजनेबल रेट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब इस सेंसर के बारे में कुछ देखते हैं। इस सेंसर का काम होता है ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और हीट इंडेक्स को सेंस करना। इस सेंसर में 3 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव जिसे VCC कहा जाता है, निगेटिव जिसे ग्राउंड कहते हैं और 3rd टर्मिनल होता है डाटा टर्मिनल। इस टर्मिनल का काम होता है सेंस के अगर डाटा माइक्रोकंट्रोलर को सेंड करना। इस सेंसर को ऑपरेट करने के लिए हम एनालॉग पिन का यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पर हम A0 का यूज़ करेंगे। जो सेंसर की पॉजिटिव पिन है वो बोर्ड के 5 वोल्ट को कनेक्ट होगी और जो सेंसर की निगेटिव पिन है वो बोर्ड के ग्राउंड को कनेक्ट होगी और सेंसर की डाटा पिन एनालॉग सेक्शन के A0 को कनेक्ट होगी। आप चाहे तो एनालॉग सेक्शन के दूसरे पिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेल टू फीमेल जंपर वायर्स का यूज करके DHT11 सेंसर को आर्डुइनो बोर्ड से कनेक्ट कर लिया है। दोस्तों, इस सेंसर को प्रोग्राम करना काफ़ी आसान और कन्वीनियंट है। आपके लिए मैंने प्रोग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से कॉपी करके अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इन कंपोनेंट्स के लिए एक प्रॉपर सेटअप बनाते हैं। मेरे पास एक स्क्रैप से लिया सिलेंड्रिकल बॉक्स है जो एक साइड से क्लोज्ड है, एक स्पंज है जिसका यूज हम आर्डुइनो के साइड में करने वाले हैं जिसकी वजह से आर्डुइनो फिक्स हो जाएगा और मूव नहीं करेगा। मेरे पास एक कार्डबोर्ड है जिसको हम लिड की तरह इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें इसे सर्कुलर शेप में पहले कट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने ह्यूमिडिटी सेंसर को यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा दिया है और सेंसर बाहर होने के कारण ये जो भी डाटा सेंस करेगा वो सब एनवायरमेंट करेगा। मैंने आर्डुइनो को अंदर की तरफ एक साइड को फिक्स कर लिया है, लेकिन आर्डुइनो मूव करता है इसलिए हम स्पंज लगा देंगे। इसकी वजह से आर्डुइनो की मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी। अब हम इसे कार्डबोर्ड की लिड से कवर कर लेंगे जिसकी वजह से उसे ऊपर की साइड से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। मैंने इस कार्डबोर्ड में ऊपर की तरफ एक होल बनाया है जहाँ पर हम Type-B USB केबल को लगा देंगे। तो दोस्तों, आप ये प्रोग्राम डेस्कटॉप या फिर एंड्रॉयड से अपलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप की लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम अपलोड करने से पहले हमें DHT सेंसर लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उसके बाद आउटपुट देखने के लिए हमें प्ले स्टोर से सीरियल मॉनिटर ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है। इस ऐप की मदद से हम आउटपुट देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये ऐप हमें कुछ इस तरह से आउटपुट दिखाता है। इसमें हम ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और सराउंडिंग का हीट इंडेक्स देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।